वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि बचाने वाला भगवान से बड़ा होता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन यह आप या मैं नहीं, बात उस भगवान की हो रही है जिसे भगवान का दूसरा रूप का नहीं समझे तो आपको बताई देता हूँ, नाम है उसका डॉग। तो हाय हेलो वेलकम, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी अच्छी होंगी। तो जिस मूवी की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी वो फाइनली मूवी आज रिलीज हो चुकी। आज से 3 महीने पहले ओडिया इंडस्ट्री से एक मूवी आई थी जिसका नाम था दमन का। आप मीन्स निकालने के लिए बैठोगे तो इसके बहुत सारे मीन्स, क्योंकि जो मूवी का जो टॉपिक है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर एक लाइन में इसकी जो हम बात करें तो सिंपल से इसकी ये बता देता हूँ कि ग्रामीण इलाके हैं उनमें वहाँ पर एक महामारी फैल चुकी है और अंधविश्वास, दो चीजें वहाँ पर काफी ज्यादा फैल चुकी है। दो चीजों को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है डॉग। तो बात कर लेते हैं मूवी के कम्प्लीटली प्रोसेस की। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे डॉक्टर के साथ जिसने MBBS कम्प्लीट कर लिया। MBBS के हिसाब से एक रूल है कि आपने MBBS कम्प्लीट करने के बाद में 5 साल में ग्रामीण इलाके में आपको जॉब करनी है, और उसी के लिए मजबूर में वहां पर जाता है। वहां पर जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज करता है, गधे गाड़ी का यूज करता है, साइकिल से चलता है और ठोकरे खाकर वहां पर पहुंच जाता है। भाई ने पैसे लगाकर MBBS कंप्लीट किया तो वहां का ग्रामीण इलाका ऐसे कैसे पसंद आएगा, पसंद नहीं आया लेकिन मजबूरी थी तो करना पड़े। कैसे भी इसने मेंटेन किया और अपनी सर्विस चालू की। तभी एक ऐसा सस्पेंस आता है जिसके बारे में डॉक्टर को भी अंदाजा नहीं था, एक के बाद एक लोग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल बढ़ता जा रहा है। अब डॉक्टर जी समझ नहीं पा रहे कि ये कौन सी बीमारी है या अंधविश्वास है। कुछ लोग तो बाबाओं के पास झाड़ा लगवाने जा रहे हैं और कुछ लोग डॉक्टर के पास आ रहे हैं। तो इसी के रिसर्च के लिए डॉक्टर जी खड़े हो गए और चले गए गांव में। गांव में जाने के बाद में उसे बहुत सी चीजें मिली। पहला चीज मिला मच्छर। मच्छर का मतलब ये नहीं कि मच्छर, मच्छर ने एक बीमारी फैलाई है उसका नाम है मलेरिया। अब डॉक्टर ने मेहनत कर उस बीमारी को तो ढूंढ लिया कि लोग किस वजह से बीमार हो रहे हैं और किस वजह से अंधविश्वास फैल रहा है, लेकिन अब उसकी बात पर विश्वास कौन करेगा। लोगों को कौन जागरूक करे कि आप मच्छर की वजह से बीमार हो रहे हो या फिर उन डोंगी बाबाओं की वजह से। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने हिम्मत दिखाई और उन डोंगी बाबाओं की दुकान बंद करने का फैसला लिया। लेकिन डोंगी बाबा भी कम थोड़ी है, वो अपना धंधा थोड़ी बंद करवाएंगे, वो भी खड़े हो जाते हैं डॉक्टर के सामने लड़ने के लिए। फिर क्या होना था कि डॉक्टर जी कैसे भी कर कैसे भी धक्के खाए और लोगों को बचाया और जागरूक किया। ये इस मूवी का प्लॉट है। लेकिन अगर बात करें इस मूवी की तो मूवी की जो कहानी है वो एक रियल कहानी है। 70% इसकी जो कहानी है वो कम्प्लीटली रियल है। एक डॉक्टर थे, उन्हीं की कहानी को लेकर ये मूवी बनाई गई है। लेकिन दुर्भाग्य से इस मूवी को जो शो है वो बिल्कुल ही कम मिल रहा है। अगर 3 महीने पहले इसका जो ट्रेलर आया था, जो मूवी आई थी, उस समय इसकी हाइप काफी ज्यादा बनी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो फटान है उसकी हाइप काफी ज्यादा चली हुई है। इसी वजह से जो मूवी के जो शोज है ना वो बिल्कुल ही कम मिल रहे हैं। बट जिसने भी मूवी देखी है उसे पता चल गया कि मूवी की स्टोरी क्या है और मूवी क्या लोगों को बताना चाहती है।